हेलो सर, नमस्कार. नमस्कार ऑल द फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट टॉक सीजन 2. एंड एज ऑल ऑफ यू नो, द आर्ट टॉक इज बाय स्नेहा आर्ट्स, एंड स्नेहा आर्ट्स यू नो डज लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ एग्जीबिशंस एवरी ईयर. एंड दिस इज द सेकेंड सीजन, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इन सीजन 1 वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ एमिनेंट आर्टिस्ट. एंड टॉकिंग अबाउट डॉक्टर स्नेहलता प्रसाद, शी इज अ sculptorist, and she is also doing a lot of events, and she is the person behind this. And today we have eminent artist Hemant Dwivedi ji, and he is well known for his art. He is also well known for his fan following of students, because Hemant ji has been in the industry for more than 30 plus years in teaching art apart from his visual art. So thanks a lot, Hemant ji, for joining on this particular show. We are very honored to start the season 2 with you. Yes. It's beautiful, and it's good opportunity for me also. So first I acknowledge khas karke Sneha Arts ko. Thank you very much. Really, ye jo pehla season tha, ye bahut shandar raha, aur lagbhag maine kai episodes dekhe hain. एंड आई एम लकी वन के सेकंड सीजन का पहला एपिसोड मुझे करने का मौका मिला. रियली थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, सो हेमंत जी इज वेरी फेमस. ही इज फ्रॉम उदयपुर, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स विजुअल आर्ट्स, सो सच एज लाइट शैडो, शेप, डेंसिटी एंड डार्क लाइट. So we will also get an opportunity to see his art. So I have a small video which I'll play in after a couple of minutes, which showcases the entire art collection. Then you'll know Dwivedi ka, you know, kya style hai. So before we get on to that, so I have a couple of questions, sir. Are you all set, ready? Yeah. So Hemant ji, aapka bachpan kaisa raha? You know, how was your childhood, and what were the best memories from your childhood? बहुत कुछ सुना है आपके बचपन के बारे में, so if we can take on to that. मुझे लगता है हाँ. Actually क्या होता है कि बहुत बार जब हम students के साथ है, कुछ ऐसी बातें share करते हैं जो curriculum में नहीं होती, तो मुझे अब साफ याद आ रहा है कि निश्चित रूप से स्नेहलता जी ने आपसे share किया होगा, और वो इसलिए भी हुआ होगा कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत छोटा था तब की मेमोरी भी मुझे मतलब थोड़ा मेरी जहन में रहती है. इवन दो मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं जब फीडिंग करता था मां की, तो उस समय की मेमोरी भी मेरे जहन में, और जब मैं उसकी गोद में दूध पी रहा हूँ और सर्दी की दोपहरी में पास की दीवार पर जो धूप और छाया का खेल होता था, और समय के साथ जो डायगोनल था धूप का या छाया का, जो भी कहें, वो डायगोनल किस तरह से वॉल के साथ वो अपनी जर्नी करके वो शाम ढल रही है, कहीं कुछ आधे घंटे का एक घंटे का ये फील मैंने किया मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि दीवार पे वो छोटे छोटे जो चूने के जो दाने होते हैं जो व्हाइट वॉश में, तो उनसे मैं जज करता था कि इस दाने से इतना दूर ये सेपरेशन है, और ये यार ये दूर या पास जो भी होता था, पर मुझे ये लगता था कि there is being some difference between you know the diagonal of light and shade and that very small dana of that chuna. So this is what ye mujhe shuru se chhaya prakash ka aur density ka aur volume ka aur measurement ka aur ye ideas rahe ke, aur khas karke kyaron ke sath jab hum baat kare to kisi bhi object ki jo modeling hai wo mujhe bachpan se bahut attract karti rahi hai, aaj tak karti hai. So, आपके बेस्ट मोमेंट्स क्या थे मतलब कॉलेज में? बहुत सुना है आपके कॉलेज की मस्ती के बारे में, तो कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो नहीं? एक्चुअली काफी अच्छा, मुझे इस बात का हमें कहते हुए अच्छा लगता है, और खासकर मैं बच्चों को कहता हूँ उसमें कोई मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है कि हमने खूब खूब पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया था, और प्रैक्टिसिंग आर्ट में उस अपने सब्जेक्ट पर, और बहुत कुछ ऐसे मौकों को नहीं खोना है जिनमें एकेडमिक्स है, जिनमें कोई लर्निंग है, जिसमें कोई प्रोसेस होता है, इन चीजों को हमने बहुत ट्राई किया कि ये इसके साथ हम मैट्रिक्स बने रहे, गुत्थम गुत्ता रहे, बिजी रहे, सीखें. तो अगर ऐसे देखें तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, एम ए फर्स्ट ईयर का, एम ए लास्ट ईयर का, सारी यूनिवर्सिटी का जो मेरिट्स होता है
वो मैंने ही टॉप किया था और बड़ा चैलेंज रहता था पढ़ने में हम बच्चों का कि इस बार कौन बाजी मारेगा। तो इत्तेफाक रहा या मेहनत भी रही, मैं और कहना चाहूंगा कि हर बार बाजी मैंने मारी, लेकिन हाँ शरारती भी थे। शरारत तो क्या होती है, शरारत वो थोड़ी होती है, थोड़ी शरारत होने से मुझे लगता है कि एक इमीडिएट को समझने की ताकत, स्थैतिक को समझने की एक आप में एक 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 वजूद पैदा होता है, और इमीडिएट को बहुत आप समझ पाते हैं जब आप शरारती होते हैं। शरारती होने का मतलब थोड़ा सा मैं वापस कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप, लेकिन एक 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 होता है, एक बांकपन होता है, उम्र का तकाजा होता है कि हम बिना बात भी इतने उदासी और इतने सिनिक ना हो जाएं। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ा समय का मौज होती है, कैंपस का अपना रहता है। शरारत करने से मुझे लगता है वो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं जो शरारती होते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते ही हैं जो शरारती। शरारत का मेरा अर्थ आप समझ रहे हैं। तो हम काफी कॉलेज में, और मुझे अब बार बार हो रहा है कि जरूर स्नेहलता जी ने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं, आप बहुत शरारत करते थे, और हम अपने टीचर्स के, या हमारा फॉर्चुनेट है कि हम अपने टीचर्स के, हमें बहुत अफेक्शन मिला, बहुत प्यार मिलता था कैंपस में। जो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे वो भी हम उनके लेक्चर्स भी सुनने जाया करते थे, बड़ा मजा आता था। हालात ही अलग थे एक्चुअली, शरारतें भी प्रोफेसर्स को अच्छी लगती थी थोड़ी, और उस बात से हमें कभी ऐसा नहीं कि आपने ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, बहुत सी बातें ऐसी रही है कैंपस लाइफ में। यस हाँ जी उड़ती उड़ती हवा से पता चला है कि आप एक डॉगी को आप क्लासरूम में लेके चले गए थे कॉलेज में। तो हाँ 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 उससे बड़ा क्या प्यार क्या हो गया था इंटेंशन था, वो। क्या क्या करना चाहते थे? हाँ एक्चुअली वो पार्किंग पर जो जो वॉचमैन था उसका, वो थोड़ा पैट टाइप था, आता जाता रहता था, अपनी उसकी अपनी आवारगी थी उस डॉग के पैर की। तो उसके जो बच्चे हुए इसमें से एक बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत जबरा सा था, और वो मैं जैसे ही कॉलेज जाता अपनी साइकिल रखता और वो मेरे साथ ही चिपक जाता था। तो एक बार मुझे लगा कि इसमें इसमें दिक्कत क्या है, अगर ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है, और बहुत प्यारा बच्चा है, सब बच्चे प्यारे होते हैं। तो उसको यस मैं क्लास में भी ले गया था एक दो दिन तक, और मुझे अच्छा लगता है आज भी जब मुझे वो जहन में बात आती है कि प्रोफेसर ने देखा बाकायदा कि मेरे हाथ में एक बच्चा है कुत्ते का, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं था कि भाई ये आप क्यों लेके आए और आप वापस रख के आओ, कुछ नहीं। तो लग रहा है कि जीव है, एक एम्पैथी हो जाती है आपकी उसके साथ। तो ऐसा कौन सा वो भौंक लेगा या किसी को काट लेगा, बड़ा छोटा प्यारा सा बच्चा था, रहा काफी दिन तक, 5-7 दिन तक मेरे साथ रहा था, और वो क्लासों में उसको लेके जाते थे, और एक 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 चैप्टर था एक्चुअली। यस कॉलेज डेज में बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है, मतलब वो ऐसा एज रहता है जिसमें सब कुछ जानने का मन करता है, कुछ मतलब खोजने का मन करता है, कुछ नए लोगों को पहचानने का मन रहता है। तो आपकी क्यूरियोसिटी क्या थी कॉलेज टाइम में? नहीं, बहुत जबरदस्त बात है ये एक्चुअली, कि जो कॉलेजिएट की जो एज होती है, मुझे लगता है पूरे पूरे जीवन का जो स्पान है उसकी सबसे सबसे प्यारा एज होता है, जब बच्चा कॉलेज की एज का होता है। और मुझे लगता है सभी में उतनी ही एनर्जी होती है, एनर्जी को यूज में लेने के सिस्टम पे विचार, और आप कितना उसमें कर पाते हैं उससे डिपेंड करता है, बाकी सबको बराबर मिलता है। तो ये एनर्जी का मैटर है। हम इस उम्र में जब मुझे लगता है, मैंने बहुत मजा आता है कुछ तरह की ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करने का, अनुभव करने का, विचारने का। कॉलेज में आने के बाद काफी चीजों को समझने की, और खास करके ड्राइंग एंड पेंटिंग की। एक्चुअली क्या था कि जो 12th तो खैर हमारे उस जमाने में हुआ भी नहीं करता था, हम लोग 11th के बाद कॉलेज में आए थे। 11th का जो कैरिकुलम था वो और फर्स्ट ईयर का कैरिकुलम ऑलमोस्ट सेम ही था। तो जब शुरू में हम आए और बाकायदा हमने सिलेबस का स्टडी किया, तो यार ये तो 11th में ही यही था, ये तो हम करके आए। लेकिन जैसे टीचर्स का आना जाना हुआ, और एक इंटरेक्शन के साथ उन चीजों को किस तरह से, किस रास्ते से हमने समझने की कोशिश की, जैसे डिस्टॉर्शन है, बैलेंस है, हार्मनी है, ऑब्जेक्ट को एस्टेब्लिश करने के तरीके हैं, कंपोजिशन को उस थोड़ा उस, और आप सम देखिए सर,
आपका एस्थेटिक डेवलप होता है इसमें, कोई शक नहीं। आपका एस्थेटिक डेवलप, मैं कहता हूं आर्ट कभी डेवलप नहीं होती। कोई कहता है कि कला का विकास होता है, तो मैं एक बार हठात हो जाता हूं, एक बार मुझे विचार करना लग पड़ता है कि कला का, आर्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। कला ऐसी कौन सी चीज है जो डेवलप होती है? नहीं होती। प्रिस्टोरिक बंदे का कला भी वही क्लासिकी और वही सारे 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 जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं आर्ट के, एक प्रिस्टोरिक पेंटर के भी वही थे जो पिकासो के थे और वही जो हम सबके होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कला का विकास एक बड़ा अजीबोगरीब खैर कभी और बात करेंगे कि आर्ट डेवलप होती है या नहीं होती है, लेकिन हम सबका एस्थेटिक डेवलप होता है। बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो एस्थेटिक डेवलप होता है ना, वो उन सोर्सेज और रिसोर्सेज के साथ और उस एज फैक्टर के साथ और उस रिसर्च और उस ऑब्जर्वेशन के साथ जो आप ग्रो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमें इन दिनों में, जैसे अगर मौसीकी की, संगीत की बात करूं, तो इन दिनों में मुझे इनके गीत गाने अच्छे लगते हैं। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद मिला तो पता चला कि आजकल तो आप जगजीत की गजलों में डूबे हुए हैं, और सुनने का यही क्रम रहता है तो आप मान के चलिए कि सुनने वाले में धीरे धीरे मिनिमलिज्म आता है, और इस मिनिमल होने के चक्कर में वो धीरे धीरे क्लासिकल पे जाएगा, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंटल पे जाएगा। और मैं हजार बार ये कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि उसको सुनने से नफरत तो नहीं होगी, पर मुझे लगता है सुनने की उसको भी जरूरत। अब वो कुछ और सुन रहा है, इस मटेरियल को, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को, इन औजारों को, इन तारों को, बाजों को नहीं सुन रहा है। सुन तो रहा है पर अब इसकी जरूरत नहीं। देखने में भी रवि भाई हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो कंटेम्पररी को, मॉडर्न आर्ट को इतना नहीं समझता है, वो जब आर्ट देखता है, पेंटिंग देखता है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि कैसे देख रहा है वो, क्या देख रहा है, उस पर जोक बने हुए हैं, उन पर ऐसी बहुत सी बातें होती है। पर आप मान के चलिए कि हमारा जो सौंदर्य है, हमारा जो एस्थेटिक है, वो समय के साथ, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ वो ग्रो करता है, और वो ग्रो करता है और वो मिनिमल होता जाता है। तो ये जो जर्नी है, इसकी, इसका एस्टेब्लिशमेंट मुझे साफ मेरे जहन में जो हुआ था, घटा था, वो मुझे याद है कि ये उन शुरुआती कॉलेज के दिनों में ही हुआ था, कि मुझे समझ पड़ने लगी कि ये यहाँ से कोई रास्ता बन रहा है जहां से हम ऑब्जेक्ट को रिस्टार्ट करेंगे और उसके साथ खेलेंगे और उसको उस सो कॉल्ड कंपोजिशन, जिसको कैरिकुलम कहा जाता है, उस कंपोजिशन में डालेंगे। और तो एक नई चेतना, एक नई संचेतना बनती है, एक नया स्पेस, एक नई ग्राउंड आप तैयार करते हैं। वो इमारत भी बड़ी होती है, वो प्रोफेसर्स होते हैं, वो सारी कैंटीन बड़ी होती है, पार्किंग बड़ी होती है, बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, और आप खुद को बहुत छोटा छोटा अनुभव करते हैं। एक इस तरह का एक संसार होता है उन दिनों में। तो मान के चलिए कि अगर थोड़ा भी पॉजिटिव कहीं कोई अंदर मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो सीखना क्या है उस एनवायरमेंट में से, उस पर आप, आपको पक्षपाती तो अपने अपने मुद्दे में तो होशियार होना ही पड़ेगा कि मुझे क्या समझना है, मुझे क्या सीखना है। एक स्कॉलर का, एक जिज्ञासु का, एक मुमुक्षु का, एक स्टूडेंट का यही तो विधान है सबसे पहले, कि वो 100% बिल्कुल उसको गरज हो, उसको अभिमान भी हो, उसको हरगिज ये एक स्पार्क हो, कि तमन्ना हो कि मुझे ये पाना है, मुझे समझना है, मुझे सीखना है, तभी कर पाएगा। वरना तो समय चलता जाता है रवि भाई और होता जाता है। ये कॉलेज से लेके, एज एन आर्टिस्ट, ये आपके करियर कैसे मोड ली और कैसे आपने इसको अपना करियर बनाया, फुल टाइम प्रोफेशन बनाया? देखिए, वैसे देखें तो हम बहुत, शायद मुझे लगता है केजी वगैरह में थे, अपनी इनिशियल क्लासेज में थे, मुझे साफ याद भी है, तब से मुझे आर्ट का शौक था और मैं चाहता था कि ये जो स्कूल के सिस्टम में, क्योंकि बाकायदा संडे के दिन खुशी होती थी कि आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं जाना, सैटरडे के दिन हाफ डे ही होगा, क्यों होता था ऐसा अब जहन में आ रहा है। क्यों हम उस कैरिकुलम से बोर होते थे, क्यों हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमें पसंद के थे जिनका तो वंस इन ए वीक टाइप क्लास आता था, ऐसा क्यों होता था? तो ये जो आर्ट को लेके, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग को लेके और इन चीजों को लेके, ये जो
ह्यूमैनिटीज के आसपास के जो मुद्दे हैं और जिनमें एस्थेटिक्स होता है, जिसमें कोई थर्स्ट होती है, इमेजिनेशन होती है, उस टाइप के सब्जेक्ट्स पसंद थे, तो उनमें साफ तौर पर ड्राइंग एंड पेंटिंग था, तो वो लिया। फिर ऑलमोस्ट हर क्लास में ड्राइंग एंड पेंटिंग रहा, कॉलेज में भी बेशक, स्कूल में मुझे याद आता है, मुझे साफ याद है कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमें अपने जमाने में हम ऑप्शनल ऑप्ट किया था, तो उस समय मैंने बाकायदा ड्राइंग एंड पेंटिंग लिया, तो मेरे कोलिग्स बच्चे, मेरे यार दोस्त कह रहे थे क्या कर रहा है तू, ये क्या ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्या कैसे, क्या चलेगा और क्या सोचा विचारा क्या। मैंने कहा पागलों, मुझे कुछ सोचना विचारना नहीं, मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑप्ट करना है, दैट्स इट, मुझे वो समझना है और मुझे वो जीवन की उसी नाव में बैठेंगे और सवारी करेंगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को सोचेंगे। तो फिर बच्चों को, दोस्तों को लगने लगा कि, तो इस तरह से शुरू से मैं अपने विषय को लेके, अपने उसके उसका जो नेचर है सब्जेक्ट का और उसका जो स्कोप है उसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं शुरू से और मजे किए हैं। एंड अलमाइटी को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि हमें फाइन आर्ट्स से कंसर्न रखा है जिंदगी में। यार रवि भाई, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है। सो बट ये फाइन आर्ट्स और हेमंत जी का सिग्नेचर आर्ट्स देखने के लिए आई हैव अ शॉर्ट वीडियो, सो इससे आपको पता चलेगा कि यू नो व्हाट इज़ अ जर्नी। सो सर, हम ये आपकी आर्ट वर्क लोगों को दिखाएंगे एंड वील गेट बैक विद मोर क्वेश्चंस। मेरे पास और क्वेश्चंस है आपके बारे में, सो लेट्स चेक दैट आउट। ब्यूटिफुल आर्ट सर, मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट आर दी, यू नो आई थिंक यू डन समथिंग विद दी केन चेयर्स, सो आई थिंक दैट इंस्टॉलेशन, आई थिंक इट्स कॉल्ड इंस्टॉलेशन, वो बहुत मुझे पसंद आई, सो दैट्स माई फेवरेट। थैंक यू। या ऑनेस्टली एक बात पूछनी थी हेमंत जी, बहुत सारे आर्टिस्ट यू नो कॉलेज करते हैं एज एन आर्टिस्ट एंड देन यू नो आर्टिस्ट की जर्नी शुरू करते हैं, बट बीच में ऐसे ऑफर्स आते हैं जो जॉब रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट करियर ऑप्शंस, जिससे बहुत टेम्पटेशन आता है क्योंकि वहाँ पे फिक्स सैलरी होती है। सो ऐसे कुछ ऑफर्स आपके पास आए थे व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, व्हिच
यू डिसाइडेड टू यू नो लेट इट गो, बट आपके दोस्तों ने वो दी थी. हाँ, ये कहीं मेंशन भी है और ऐसा 2-3 बार हुआ था। एक तो मैं आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड दैट टाइम, आई थिंक आई क्लियरली रिमेम्बर कि मेरे पड़ोस में एक मिनिएचर आर्टिस्ट आके रहने लगे थे और उनके बड़े वाले हॉल में, उनके घर में रेगुलरली 4-5 कॉन्टेक्चुअल मिनिएचर आर्टिस्ट आर्टिस्ट या आर्टिसन आर्टिसन कह देते हैं, वो आया करते थे और वो उनका रेगुलर एक शेड्यूल था और 9 से 5। तो मेरे किसी कजन कोई मुझे लेके गया, मैं 9th क्लास में था, कि ये मेरा कजन है और ये भी पेंट करेगा। मुझे रवि भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आज भी याद आता है कि, और तो कहे चलो हम आपका काम देखेंगे। उनका ठीक है, देखिए आप काम। तो आधे दिन तक मैंने काम किया था वहां पर, लंच आवर्स तक, और ठीक ठाक कर लिया था। ऐसा मैं कोई मिनिएचर स्कूल से कभी कुछ सीखा नहीं था, तो बहुत ही एवरेज, मैं कहता हूँ बहुत एवरेज काम किया था मैंने, लेकिन बंदे को समझ में आ गया था। और उसने मुझे कहा था कि मैं आपको रोज के 50 रुपए दूंगा, आप जब चाहें तब से आ सकते हैं। मैं वापस आपको कह रहा हूं, मैं 9th क्लास में था, और 9th क्लास का मतलब होता है 78-79 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने हाँ कर दिया और मैं खुश भी हुआ और मैं घर भी आया। मेरे को 50 रुपए तो बहुत होते हैं यार, और बहुत होते थे रवि भाई उस समय, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन सुबह मैं उठा, तब तक मैं अपनी इस बात से बिल्कुल मुड़ चुका था, पीछे आ गया, लौट के आ गया था। मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट ज्वाइन दैट, व्हाई आई डोंट नो। मुझे साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कहीं कोई दलदल जैसा मामला तो नहीं है यार, कि रोज का वो 50 रुपए तो दे देगा पर आप शेड्यूल्ड हो जाओगे, आप फंस जाओगे। और बेटा तेरी आर्ट के नाम पे कुछ चलने वाली नहीं है, पैसा वो दे देगा, ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ मोटा मोटा एज के हिसाब से आया तो था मेरे जहन में, मुझे साफ याद है। वैसा ही वाकया फिर सेकेंड ईयर में हुआ था। तब मेरे एक मित्र थे, वो बाकायदा नाथ पास के जो टाउन है, श्रीनाथ जी की बस्ती है नाथद्वारा, वहां से बिलोंग करते थे, वो मिनीचर करते थे बाकायदा, प्रोफेशनली मिनीचर करते थे। तो वो हम साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हेमंत यार, हम करीब 2-3 बजे तक तो कॉलेज से आ जाते हैं, तो एक छोटा सा सिल्क का कपड़ा अगर अपन दोनों लगाएं और शाम तक या सॉरी दूसरे दिन तक अगर कुछ बना के देते हैं तो यार अच्छे पैसे मिलेंगे यार। तो उस समय भी याद है कि हम कॉलेज आवर्स के ठीक बाद में लगभग 2:30-3 बजे से कोई रवि भाई आप देखें, 8 इंच बाई 10 इंच का सिल्क का कपड़ा या 12 इंचेस का होगा, तो ऐसा उनके साथ मैंने भी किया। तो उनको उन्होंने 4 घंटे में बना दिया, मुझे 6 घंटे लगे, मुझे दूसरे दिन भी आधी पारी में वो ठीक ठाक करना पड़ा। थोड़ा सा मेरे मित्र ने हाथ भी लगाया उसमें, थोड़ा सा उसको टच किया, पर उदयपुर की एक अच्छी एस्टेब्लिश जो हैंडीक्राफ्ट का शॉप था, उसने देखा और उसने कहा कि ठीक है, आप जितना आपके पास है आप ले आया करें, हम आपको 40 रुपीज पर पीस देंगे। तब भी बड़ा एक्साइटेड हुए कि यार गजब की बात है यार, ये तो कॉलेज से आके सर एक दिन का 40 रुपया मिल रहा है, और ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 बजे 8 बजे तक तो घर चले जाएंगे। वो भी दूसरे दिन मैं वापस आई वॉज बैक टू माई होम, यू नो। नहीं यार ये मुझे नहीं, क्यों पता नहीं, हुए ऐसे और भी वाकये हुए, इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत मजा आया, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि चलो मुझे उस समय ऐसा है ना कि ब्रेड एंड बटर के लिए जरूरत नहीं था, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था, ऐसा और भी कोई हो सकता है, कोई जरूरतमंद भी हो सकता है, 50 सर्कमस्टेंशियली बहुत सी बातें हो सकती है, पर मेरे साथ ऐसा था कि मुझे मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं थी बाय द वे। तो उस यू नो रवि भाई, उस चीज को समझने की जो क्यूरोसिटी होती है ना, उसको उसकी नर्चरिंग जरूरी है, उसको बचा के रखना जरूरी, और उसकी वजह की बहुत जरूरी। उस क्यूरोसिटी को अगर आप ऐसे बाजारू कर देंगे ना,
तो हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो और बहुत अच्छा आपने छोटी एज से ही अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश किया और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, पर तुम्हारी कोई थर्स्ट तो होगी, वो अधूरी होगी और वो सबकी होती है। और जो इस फील्ड से बिलोंग करता है अब रवि भाई, तो वो तो फिर अब हम आनंद के लिए ड्रॉइंग इन पेंटिंग लेते हैं यार, हम सारी फाइन आर्ट्स की बात फाइननेस के लिए करते हैं, एक 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 यू नो एक 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 आनंद के लिए करते हैं, एस्थेटिक के लिए करते हैं, एक हैप्पीनेस के लिए करते हैं, एक कंटेंटमेंट के लिए करते हैं, बाकी क्या है इसमें? इसमें कोई कोई और इन ह्यूमैनिटीज में इनमें होता क्या है यार? एक बहुत अच्छी पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, मजा दे रही है बेचारा, और वो क्या कर रही है? लेकिन अब व्यूअर में मजा लेने की कैपेसिटी भी है और वो फर्स्ट भी है। मैंने ऐसे रवि भाई कई लोगों को देखा है सोसाइटी में, कईयों को देखा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक शाम है करीब मस्त काली सी गहरी सी शाम, खूब बादल है, अब बरसे गया बरसे, टेम्परेचर बहुत सूदिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, ना ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, बहुत हम पवित्र पवित्र माहौल में है और शानदार शाम है। और मैं आपको कहूं कि रवि भाई आज तो गजब की शाम है यार, क्या घटाएं छा रही है और मजा आ गया है यार इस शाम का। और आप मुझे कहें हेमंत जी ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो वेस्टर्न कॉस्ट का जो एयर का जो प्रेशर बना उससे नेचुरल इन 3 दिन यार रहना ही था, खास बात नहीं है, चलो चलो चलते हैं यार। उस आस्वाद का वो उसकी रिक्वायरमेंट ही आपको अपने जीवन में नहीं लग रही है, तो मुझे कोई बताए कि ऐसे जीवन का व्हाट इज मीन ऑफ दिस लाइफ रही भाई, वो क्या उसका थर्स्ट क्या है? 100% फिर उसका जो थर्स्ट है वो एवरलास्टिंग है, वो सुपर। ये डेफिनेटली आई वांटेड टू आस्क दिस बिकॉज ये बहुत आर्टिस्ट को, मतलब नॉट ओनली आर्टिस्ट, बहुत सारे प्रोफेशंस में जब हम चाहते हैं बीच में ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एंड थैंक यू, मतलब आप मतलब आपने ये भी बताया कि यू नो कौन से अपॉर्चुनिटीज आए थे, आपने ये भी डिस्कस किया आपने क्यों नहीं लिया, सो थैंक्स फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। So we have a lot of people watching this, so let me just call out the names. Sneha ji, namaskar bol rahe hain, namaskar sir. Namaskar Sneha ji. Vinay Vadera, very natural artist and actor. Vinay Vadera, yeah, we didn't discuss Vinay about this, so we'll come back to these questions about you being an artist and also a theater artist. Prem Singh ji pooch rahe hain, what's the difference between modern art and contemporary art? So, you want to answer that? ये मेरी अभी सोशल मीडिया पर निगम सर हैं जो आर्ट पे लिखते हैं, विचारते हैं, हिंदी मीडियम से करते हैं, तो उनका मैं पोस्ट पढ़ता रहता हूँ कभी कभी, तो उस पर भी मैंने महीने भर पहले लिखा था, फिर मुझे ऐसा लगा बीइंग टीचर, एक्चुअली बीइंग टीचर मैं सोशल मीडिया को और स्पेशली फेसबुक को एक अच्छा मोड और एक अच्छा मीडियम मानता हूँ कि कम से कम हम उस एस्थेटिक को, उस कैरिकुलम को, उस लेवल की बात को, कम से कम कि एमए का बच्चा है, बीए का बच्चा है, हम इस स्कॉलरशिप के साथ बात कर रहे हैं, मैं अपना ये डिजाइन बता रहा हूँ, ये परसेप्शन बता रहा हूँ, आप भी बताएं, विजुअल इसमें एक नेचुरली एक वो है ही सुविधा, तो वो बात कर रहे थे आधुनिक और मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी की, और इस पर मैंने लिखा। और ये आर्ट आर्ट की बात अपन कभी बाद में और भी करेंगे कि आर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्ट, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली यू नो पेंटिंग, व्हाट इज पेंटिंग, हाउ टू सी, व्हाट टू थिंक, 50वां प्रपंच है, बहुत सी बातें हैं रवि भाई समझने के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, इस ऐसे कनर्जियर के लिए, लेकिन यहाँ जो बात हो रही ना, ये रवि भाई कॉलेजेज में और खास करके इंटरव्यूज में, मैंने उस फेसबुक पर उस पर भी लिखा था मैंने कि बहुत से एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मैंने देखा है, आई एम विटनेस, कि अगर अगर स्कॉलर को, बच्चे को, कैंडिडेट को देखना है कि ओके इसको ऐसी कोई खास बात नहीं है यार,
इसको इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए या इसकी एंटी फंसाओ यार, इसको फंसाओ सारे। तो वो पूछते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी दोनों का कोई तालमेल नहीं है, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट यू नो टर्म। एक्चुअली मॉडर्न अलग टर्म है, कंटेम्प्रेरी अलग टर्म है, उन दोनों को जरूरत ही कहां पास मिलेगी। अब प्लास्टिक की बोतल को और पीतल की ग्लास को जबरदस्ती में उनके तालमेल या उनके रिलेशंस देखूं या व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटेम्पररी एंड मॉडर्न, आई डोंट थिंक दिस इज रेलेवेंट। एक्चुअली दोनों टर्म ही अलग है। मॉडर्न तो टर्म जो है वो समय टाइम पीरियड को शो करने वाली बात करता है, उसका लेना देना उस टर्म का टाइम के साथ। सांची का स्तूप भी मॉडर्न है वो, तो भाई साहब वो तो आज भी मॉडर्न है। अगर सांची की स्तूप का आर्किटेक्चर आप देखें तो क्या ऐसा इस कंटेम्प्रेरी जमाने में आज में ऐसा उसके उस क्या आप देख पा रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ हो रहा है? आप अगर टेंपल या कोई मॉस्क या कुछ भी गुरुद्वारा भी देख रहे हैं तो सारे रेती सीमेंट से बन रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने पत्थर से बनाए थे। आप मिसाल देते हो उनके स्थेटिक की, वो उस जमाने में मॉडर्न थे, आप आपके जमाने में आज मॉडर्न है। ये प्रवृत्ति है, एक विचार की प्रवृत्ति है जो समय के साथ चलती है। हर बंदा हर जमाने में मॉडर्न हो सकता है। दिस टाइम बीइंग टर्म, देर इज नो रिलेशन ऑफ द वर्ड मॉडर्न विथ कॉन्टेम्पररी टर्म। कॉन्टेम्पररी नेचुरली कॉन्टेम्पररी आज की बात है, आज के समकाल की बात है, आज की समसामयिकता की बात है। अब चाहे उसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मैं मिनिएचरल अपना एफिशिएंट रख रहा हूं, यू आर कंटेम्प्रेरी। आज जो फोक डांस होता है गवरी, शायद आपने सुना हो, बहुत ही एमिनेंट एक यू नो फोक फेस्टिवल का एक एक्चुअली दैट इज यू नो बैले बैले जो इन दिनों में होता है, सावन के बाद राखी के दिनों में, तो गवरी डांस है, गवरी डांस है। समय के साथ उसके बदलाव होते जा रहे हैं पर अपने आप में वो एक ट्रेडिशनल एक इवेंट है। लेकिन अब हम देखते हैं वक्त के साथ बदलाव आ रहा है, ये मॉडर्निटी की बात। मॉडर्न टर्म जो है उसका संबंध समय के साथ है और उस समय के साथ की टाइम के पैरेलल जो थॉट है वो मॉडर्निटी। लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी टर्म अलग है, कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब आज की बात है, आज जो काम कर रहा है कॉन्टेम्प्रेरी। क्या बंगाल स्कूल की पढ़ा, बंगाल स्कूल इज नॉट मॉडर्न आर्ट है ना? मॉडर्न मॉडर्न आर्ट का एक एरा है, एक समय काल से उसका संबंध है। समकालीन कला से कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट से उसका कोई लेना देना, ये दोनों टर्म ही अलग है। गुड गुड पॉइंट सर। देन संजीव शर्मा जी नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार। देवीदास खत्री जी का देवीदास खत्री जी हैं। सुनीता अग्रवाल जी नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार। डॉक्टर स्नेहा जी पूछ रहे हैं हु इज़ योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, सो आपके लाइफ में किसने बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है? नहीं ऐसा अभी ऐसा जैसा कोई गुरु या कोई प्रभावित करने वाला या इन्फ्लुएंसर या ऐसा कोई ऐसा 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 सच कोई ऐसा अभी लगा नहीं। जरूरत भी शायद नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि रवि भाई आप है ना, आप गुरु को भी ले लोगे तो एक क्या हो जाएगा, एक शरीर को ले लो, वो भी एक शरीर है। तो शरीर के अलावा भी कोई गुरु हो सकता है और हो सकता है गुरु की जरूरत भी ना हो। क्यों जरूरत है गुरु की मुझे कोई बताए, मैं उस थॉट की बात करूं। मैं भी किसी विषय किसी सिलेबस की किसी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा की बात नहीं कर रहा, किसी पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं गुरु की बात कर रहा हूं। यू नो इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग। यहां भी दोनों अलग अलग बात है, शिक्षक और गुरु एक नहीं होता। अब आप टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन आप मुझे गुरु के चरण स्पर्श होते हुए कोई व्हाट्सएप की इमेज भेजें और मुझे विश करें तो आप प्रिंसिपली गलत होंगे।
आप हैप्पी टीचर्स डे कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं टीचर को लेके, पर आप गुरु गोविंद और गुरु और गुरु ब्रह्मा और ऐसी आप मुझे नहीं कर सकते टीचर्स डे के दिन, क्योंकि वो शिक्षक दिवस है, वो गुरु पूर्णिमा नहीं है। टीचर एक सर्टेन पाथ से आपका इंट्रोडक्शन करवाता है, आप स्कॉलर हैं और वो आपको एक सर्टेन पाथ बताएगा कि बेटा तेरी जो प्रवृत्ति है, तू जिस तरह से चलता है, तू गलत तो चलता ही नहीं, कोई भी गलत नहीं चलता है सर, पर बेटा तू जैसे चलता है तो तुझे अकॉर्डिंगली अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तुझे ऐसे जाना जाए, तुझे ऐसे जाना चाहिए। ये जो दृष्टि है ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। एक टीचर को अच्छा यू नो ऑब्जर्वेशन वो सबसे पहली उसका वो हथियार है बस, और क्या। और धीरे धीरे बच्चे को ऑब्जर्व करते करते, ऐसा मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, पता नहीं बात क्या चल रही थी रवि भाई, कहाँ थे अपन, इन्फ्लुएंस आपके लाइफ को किसने इन्फ्लुएंस किया मतलब। हाँ तो ऐसा ऐसा नहीं, कभी कई लोग कहते हैं ऐसे कि मेरा जो प्रेरणा स्रोत है आर्ट में वो वैन गोग है, कोई कहते हैं कि पिकासो है, और कोई ऐसा होता नहीं है, न जाने कब आप अपने सबकॉन्शियस में उसको अपना गॉडफादर बना देते हो, पर गलत, वो भी गलत। आप क्यों किसी एक दृष्टि से इस जिंदगी को टटोले हैं, उस दृष्टि को, व्हाई यू डू नॉट एस्टेब्लिश दैट व्यू एज 360 डिग्री, यू कैन बी एनीवेयर। अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं तो मैं किसी भी जगह से खड़े रह के जवाब दे सकूं, दैट रिप्लाई वुड बी मोस्ट मोस्ट ऑथेंटिक एंड हैविंग वैल्यू, यू नो। किसी एक दृष्टिकोण से, किसी एक एंगल से मैं आपको सेटिस्फाई करता हूं आपकी क्यूरियोसिटी को, तो इसका मतलब मैं तो आपको वापस बहुत ही यू नो कंडेंस कर रहा हूं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है यार, मस्त है, ऐसे चलेगी दुनिया, ऐसे नहीं। सबका अपना एस्थेटिक है, सबके अपना तौर तरीका है। इस विराट मजा आता है सर, अगर खुले में हवा चल रही है और पेड़ झूम रहे हैं और आप मस्ती से बैठे हो और आप कुछ भी नहीं विचार कर रहे हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, तो वो जो तत्क्षण है, वो जो इमीडिएट है, वो जो समय है, वो आपका गुरु है, उसको गुरु बनाने में बड़ा मजा आता है। तो फिर ऐसा वक्त मिलता रहता है और धीरे धीरे किसी व्यक्ति को गुरु बनाने से कुछ ऐसा ऐसा, ये आस्था मुझे लगता है ये बहुत ही एक लिमिटेशन वाली बिलीफ है, ऐसे नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति कैसे गुरु हो सकता है यार। True. अगर भगवान, देखिए देखिए अगर भगवान ह्यूमन बॉडी में होते और दिख सकते, अगर आपको दिख सकते तो गुरु की महिमा होती, फिर गुरु की गरज होती आदमी को। तो जो कण कण में जो एक इंस्पायरिंग एलिमेंट है, एक आनंद है, एक खोज है, वो मजा आता है, मजा आता है आपको, मजा और आना चाहिए। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट हमारा ये, हम मजा लेते नहीं है और पूरी जिंदगी यूं ही एक लंबी एज जी के मर जाते हैं, थक जाते हैं। मैं रवि भाई कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं अपनी बात में कि मैं कहता हूं 99% दुनिया का बंदा देखता ही नहीं है और मर जाता है और अपनी पूरी जिंदगी जीता है, कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, माफ करना मुझे, बहुत अजीबोगरीब बात कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। पर मुझे लगता है वो बेचारे वो कहते हैं कि ये धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं और हमने भी दुनिया देखी है, बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने दुनिया देखी है और उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, पर हम अपनी जिंदगी का मैक्सिमम वो करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी करने के लिए, और जिंदगी खप जाती है रवि भाई, और हम पूरी जिंदगी जी के एक दिन मर जाते हैं, हमने कभी बेवजह कुछ भी नहीं देखा यार, हमने हमेशा जब से पैदा हुए आज तक किसी वजह की वजह से कुछ देख रहे हैं, किसी वजह की वजह से सुन रहे हैं, किसी वजह की वजह से बोल रहे हैं। आपने अकारण कभी कुछ देखा? मैं आपसे बात नहीं ये कह रहा हूं, आपने जरूर देखा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, पर हम में से ज्यादातर नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते सर।
कार में चला रहा हूँ और केयरफुली चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे जरूरत है देखने, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैं देख रहा हूं, वरना मैं नहीं देखता। मैंने अचानक खिड़की के बाहर ऐसे मुड़ के देखा, क्योंकि हठात कोई आवाज हुई थी, कोई नॉक हुआ था, इसलिए देखा, वरना नहीं देखता। मैंने थाली देखी रोटी की, क्योंकि खाना था, अगर कोई बाल वाल गिरा हो तो पता चले। मैंने मम्मी को देखा, क्योंकि मुझे चपाती की जरूरत थी। मैंने सब सब एवरीथिंग फ्रॉम वेरी यू नो वेकअप टू गुड नाइट। आप जो भी देखते हैं अपनी गरज से देखते हैं इस दुनिया में, बाकी बिना वजह आप कभी देखना बहुत प्यारा दिखता है, मजा आता है। सुपर। और इसीलिए तो रवि भाई, सबसे अच्छा अगर आपको देखना है तो आप विश्वास कीजिए, आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, दिखने लगता है। सो बहुत सालों से मेरे को एक मतलब फीलिंग सी थी कि मेरे कोई गुरु नहीं है, और मैं किसी को गुरु नहीं मानता था, और मेरे बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स गुरु मानते थे, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट रीज़न व्हाई आई कैन कन्विंस माई सेल्फ सेइंग दैट आई एम नॉट रॉन्ग। सो बहुत बहुत अच्छी बात कही है, सो आई कैन रिलेट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे नाउ, दिस वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल। थैंक्स अ लॉट, आई मीन आई लव दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन इन दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छा, थैंक यू, शानदार। सो संजीव शर्मा जी बोल रहे हैं, अमेजिंग क्रिएशंस एंड डिस्कशंस। सो दिस इज फ्रॉम संजीव शर्मा जी। संजीव भाई थैंक यू, संजीव भाई बहुत अच्छे मित्र हैं और सोशल मीडिया पे आए दिन जुड़े रहते हैं। चलता है, यही चलता है रही, बात करने का अपना सब एक्चुअली आर्ट फील्ड है, फाइन आर्ट्स है, और फाइननेस की बात करनी, उसको समझना समझाना है, बहुत सा स्कोप है सब्जेक्ट का। एक्चुअली दिस इज नॉट ओनली दैट यू नो आई जस्ट प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ काइंड ऑफ वर्किंग एंड यू नो आई पेंट थॉरली, आई पेंट रेगुलरली एट एनी कॉस्ट, धूप है, छाया है, बारिश है, मैं तो रोज पेंट करता हूँ, यू नो, एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क्स एंड यू आर हैविंग ओनली साइट, ओनली स्टाइल, ओनली प्रोसेस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हाउ पॉसिबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक कलाकार एक पर्टिकुलर तरीके से बरसों से पेंटिंग करता रहता है, ये कैसे हो रहा है यार, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार? मेरे तो समझ में अभी तक किसी को आए तो मुझे समझाए यार, सच कह रहा हूँ रवि भाई, मेरी समझ, आप उसको स्टाइल कह रहे हो, मैं कह रहा हूं स्टाइल, तो स्टाइल इज योर टेम्परामेंट एक्चुअली, स्टाइल इज नॉट द थिंग दैट आई यूज सच कलर्स, आई ड्रॉ लाइक दिस, आई मेक स्पेस लाइक दिस, और आई थिंक लाइक दिस, और I use of you know textures like this or this. No. This is not a style. Ravi bhai, style is actually your temperament, and then doesn't matter you are being stacked with your surface, or you are having some figurative painting today, or you are painting semi figurative or abstract or semi-abstract or phalana, dhimka, whatever. Actually, Ravi bhai, whenever you paint, actually you have to paint immediate. That is painting. I cannot make, you know, once I cannot make pre-plan or layout or, you know, preparation or layout, the abused word in our field is layout. Once I have prepared layout, now I am to going for painting. The layout is final painting, now you are copying. But ho kya raha hai yahan, mujhe pata hai ki main galat sabit hounga, mujhe pata hai, par hum kya hai ki humne ek certain, ek definite, ek tarike ko establish karne ki koshish ki hai, kyunki humne sikha bhi yahi hai na.
कि एक तरीका है, आप आखिर फाइनली आपको एक तरीके से काम करना पड़ेगा तो रिकग्निशन इसी तरीके से मिलेगा, वरना तो ये तो आप एक्सीडेंटल और आज ये बनाया और कल कौवा बनाया और आज घास बनाई है। पर आई एम टीचर, आई एम टीचर यूजुअली आई एम अमंग यू नो कपल ऑफ स्टूडेंट्स एंड द थिंग्स विच इज बीइंग टुगेदर। मेरा बच्चा सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ, वो इशारा करता है तो इसके इशारे को समझना पड़ता है। वो कह रहा है सर रेड कर दूं क्या? और सच्चाई ये कि उस समय आप भी ये सोच रहे होते हैं कि काश कोई रेडिश कुछ होता तो, ये तारतम्य है ना, ये सर इन चीजों से डेवलप होता है, इन बातों से। पता नहीं हम कहां बातों से चले जाते हैं, लेकिन मजा तो आता है। अब मैं स्टाइल, मुझे तो बहुत बार रवि भाई लगता है कि एक पेंटिंग एक स्टाइल होती है, बस दैट्स चैप्टर क्लोज। Got it. Chapter closed. What I am this time, only that is the picture which would be before you, only immediate. You cannot be pre-planned at all. Ravi bhai, आप paint नहीं कर सकते पहले से plan करके। आप craft कर रहे हो, आप शिल्प कर रहे हो, आप एक design कर रहे हो, आप एक definite formula को mention कर रहे हो। You are not creating actually. यार मास्टर्स को आप देखें, उन्होंने वो ऐसे ही सर मिट्टी के खेतों में और पोटेटो ईटर्स थोड़ी थे यार, उनको क्या क्या पोटेटो ईटर्स का पेंट करना है तो कहाँ जरूरत थी उनको उन मिट्टी से भरे हुए किसानों के और वर्कर्स के साथ रहने की और वो खाने की और रहने की। तो तारतम्य धर्म नहीं बनती है, इमिडिएट बनता है यार। और यू आर बीइंग दैट थिंग विच आर विच इज यू नो ब्लडी, या एम्फेथी आ जाती है आपको, एम्फेथी आ जाती है। सूरजमुखी बनाए वैन गोग ने यार, तो मेरी माँ या मेरी वाइफ भी कह सकती है कि यार ऐसे सनफ्लावर तो मैं भी बना सकती हूँ, एग्जैक्टली बना सकती। लेकिन वो आह पैदा हुई थी उस सूरजमुखी के उस यू नो उस बगीचे में, तो उन्होंने उन सूरजमुखी को उस तरह से ऑब्जर्व किया, इतना ब्राइट एंड और इतना प्योर और इतना मदमस्त और इतना चमकीला मूड और मोड में वैन गोग ने उन सनफ्लावर्स को ऑफ किया होगा, तब वैसी पेंटिंग बनी। वरना उस समय तो सेजान भी काम कर रहे थे। सेजान का अपना स्कूल था, he was the father of modern artist, और वो उनका पर्सपेक्टिव अलग था, वो इम्पेस्टो कर रहे थे। वो तो अपने गुरु को, मतलब माफ करना, ऐसा माना जाता है कि उनके टीचर मोरो कहते हैं कि वैन गोग को कि इतना आप ऑयल ना लें, नीचे रेले गिर रहे हैं और थोड़ा सा आप मीडियम को और उसके मिक्सचर को समझने की ट्राई करें। तो ये ब्रिटिश शराब, मुझे इस रंग को बहाना है यार, तू फालतू का उस्ताद बना हुआ है। ये रवि भाई मामले, और ये दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल। और आर्ट फील्ड में जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तब तक बंदा बोलेगा नहीं। कितना अच्छा होता है जब कोई बच्चा स्टूडेंट बोलता है कि सर ये तो आई हैव दिस थिंग, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अब जो रेस्ट स्पेस है उसकी बात बताओ, वहां में जो फसावट हो रही है कंपोजिशन, ये तो आई वांट दिस, ये तो लाल वाला तो सर मुझे चाहिए, कमिटमेंट है उसका। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम उसको कहेंगे कि बस ये चाहिए तो सिर्फ यही रहने दे, बाकी सब कुछ खत्म कर, कुछ मत रख। आप मान के चले कि अगर वो कमिटमेंट होगा तो वो पेंटिंग, वो कंपोजिशन भी उस आनंद के साथ, उस एम्फेथी के साथ बनेगा, वो कंपोजिशन एक नई बात होगी। मजा आता है स्पॉन्टेनिटी का, आनंद लेने का तो मजा आता है, पेंट करते हैं तो आता है, आना चाहिए ना। Okay, sir. We'll get back to some of the questions, comments जो आ रहे हैं. विनय वदेरा जी बोल रहे हैं spontaneous artist, great works. And thank you विनय भाई, thank you. मेरे साथ शिमला में थे कैंप में दो एक साल पहले विनय भाई, right? Wow. So स्नेहा जी पूछ रही है what is the most important artist's tool? Is there something you can't live without in your studio? So ऐसी कोई चीज जिसके बिना आप स्टूडियो अधूरा समझते हो? ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी मस्ती में तो अपनी सराउंडिंग को
अब ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसा टाइम बीइंग कुछ एलिमेंट या कोई ऐसा पेंट या कोई ऐसा कलेक्शन या कोई ऐसा जैसा गुरु या ऐसी बात की थी, लेकिन स्टूडियो की अपनी एक तमीज होती है, वो अपने आप होती है। अब चाहे उसमें आप या मैं कोई पेंट कर रहे हैं उन दिनों में या नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो स्टूडियो है, उसका कंसर्न सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग से नहीं है, उसका मौसीकी से भी हो सकता है, कविताओं से हो सकता है, किस्सा गोही से हो सकता है, यारों की महफिल से हो सकता है, अपने अकेले के एक एक बिल्कुल केवल को लेके हो सकता कि आज मैं सिर्फ चिड़ियाओं की ट्विटर को आनंद लूंगा बस। आप मुझे बड़ा मजा आता है, दो दो तीन तीन घंटे आप आंख बंद करके सुनिए, आप बहुत अच्छा म्यूजिक है, स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है, स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है कि जब मैं मूड में हूं कि आज पेंट करने की इच्छा है या थोड़ी देर बाद कुछ पेंट करेंगे और आप आ जाएं तो परेशान हो जाते हैं कि आप यार ये रवि भाई आ गए, तो जरूरत ये है स्टूडियो की कि उस समय रवि भाई और कोई भी नहीं आए तो नहीं आएगा, ये जरूरत है स्टूडियो की। बाकी तो आपका इंतजियाज्म और आपकी आपका आना जाना और वो जो जो वाइब्स है और जो वाइब्रेशंस हैं और जो मस्तियां हैं वो अपने आप स्टूडियो की जरूरतों को पूरा करता है, मजा आता है, मजा आता है। गुड पॉइंट. सो वी हैव रविंदर शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं संवाद कला में, संवाद कला, सॉरी मेरी हिंदी बहुत बुरी है, तो संवाद आप बोल जाए, मैं कला समझ में जाऊंगा। मुखरित शशक्वात आकारे का और अन, सॉरी ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं यहाँ पे फोन में, सो आई एम नॉट एबल टू रीड. सॉरी रविंद्र शर्मा जी, मे बी समबडी कैन ट्रांसलेट एंड. नहीं तो इसको क्या मैं कहीं देख सकता हूं दूसरे इस पे? नहीं हाँ ठीक या है स्नेहार्ट्स केस में फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं. हाँ, ये इसमें कोई स्नेहा आर्ट्स, हाँ ये रहा स्नेहा आर्ट्स रवि भाई, और इसमें ये रहा आपका रविंद्र शर्मा जी का ये है, आप देख सकते हैं. अरे कहाँ से लाऊंगा सब कुछ। ठीक है, नहीं समझ पा रहे इस बात को अपन, पर आपकी भी अब हिंदी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है रवि भाई। हाँ होने लगी. बहुत बार सो है ना, एक्चुअली कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं खासकर हिंदुस्तानी के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज, एक लैंग्वेज भी बेचारा एक मीडियम है, और क्या वो स्टोरी नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट ए स्टोरी, दैट इज स्टोरी टेलर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर भाषा का अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, और हिंदी के साथ क्या है कि उसका थोड़ा हमारा जो एक इंडियन इंडियन जो फीलिंग्स. रसा और जो फीलिंग्स और एस्थेटिक की बात है तो वो संस्कृत के पास से और ऐसे होके, तो ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं जो हिंदी में ज्यादा मुझे लगता है इंग्लिश की वजह से सुटेबल होता है। सो हेमंत जी, यू राइट वेल, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं, यू आर ऑल्सो गुड एट थिएटर, ये ड्रामा, एंड यू आर ऑल्सो ए गुड टीचर. सो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे, ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे हुआ? नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि उसको आप ऑप्ट करें और आप ऐसे हो जाएंगे, आपकी रुचियां, आपकी आपके आपके इंटरेस्ट हैं कि आप किस तरह से, किस एनवायरनमेंट को आप लाइक करते हैं, किसकी आप नर्चरिंग करना चाहेंगे और कौन आपकी नर्चरिंग करना चाहेगा, तो धीरे धीरे ऐसे बनते जाते हैं। और कहां, मैं तो बार बार कहता हूं कि सारे सब्जेक्ट एक हैं यार, द डिफरेंस इज मीडियम एक्चुअली और मटेरियल, वरना कोई फर्क ऐसा, हम मैं कई बार ये बातें करता हूँ इमोशनल होके, और पता नहीं मैं क्यों कर लेता हूँ, और मैं मुझे ये भी पता है कि इसको इतना ये गलत मानी जाएंगी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं है, और किसी और के पास हो तो मुझे समझाए, मुझे लगता है सारी कलाएं एक है, खाली मीडियम का फर्क है। अब पेंटिंग में और सिंगिंग में फर्क का आएगा, कुछ राइटिंग है, पोएट्री है, इसमें दिक्कत क्या है, सब एक ही है, वो लिख रहा है बेचारा, आप फॉर्म
establish कर रहे हैं, he's writing, is a writer, poet, you are painter, you are singer, you are magician, you are sculptor, you are photographer. Doesn't matter actually. सब एक ही माया एक ही है, सब एक ही होती है, perception होता है आपका, आपकी आप आपके देखने का दृष्टिकोण जो है वो इतना यू नो बट तटस्थ होना चाहिए और उसमें किसी तरह का पार्शल होने की गुंजाइश नहीं होती है. और मैं कह रहा हूँ बार बार 360 डिग्री होती है तो फिर सब अच्छा होता जाता है सब, और सारी चीजें मिलती जाती है और सबके प्रति आपकी रुचियां पैदा होती जाती है. और मेरे अपने स्टूडियो पर यहाँ थिएटर भी होते हैं, अपने देश की कई यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर इसे रेपिट हुई और इवन दो प्रैक्टिसिंग वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती है मेरे स्टूडियो पर, तो बच्चे आया करते हैं और थिएटर में हम इम्प्रोवाइज करते हैं चीजों को, बहुत बार राइटिंग की वर्कशॉप कर लेते हैं, बहुत बार कुछ नहीं करते, 3-4 घंटे स्पेंड करते हैं, बहुत आनंद आता है बातों को, तो बहुत सी चीजें निकलती है स्पॉन्टेनियस. ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कैडमिशंस आते हैं, हम खुद पोएट्री करते हैं और सब गाना बजाना और बच्चे और आप खुद और आपका सब्जेक्ट और सारी चीजें एक ही है, चलती है. अब देखिए ना थिएटर को, उसमें क्या है, सारी आर्ट आ गई ना थिएटर में, सिंगिंग भी आ गया, डांसिंग भी आ गया आपका, सारा चीजों को रिसाइट करना, प्रेजेंट करना, एक्ट करना, ये सारी चीजें आंगिक वाचिक जो जो आ गई सब आ गई इसमें, ड्राइंग आ गई, पेंटिंग आ गई, स्केचिंग आ गई. स्केचिंग तो सबसे ज्यादा है थिएटर में, थिएटर में सबसे ज्यादा स्केचिंग का पार्ट, फॉर्म का जो क्रिएशन है और फॉर्म का जो एस्टेब्लिशमेंट है स्टेज पर, उसमें बहुत काम करती है स्केचिंग, बहुत काम. जैसा हमारे इंडियन स्कल्पचर में जो यू नो मेडाइवल स्कल्पचर्स जितने भी हैं, उनकी जो लाइन जो है, उनका जो रिदम है, उनकी जो स्केचिंग है, जो यू नो वहां से हम बहुत इस मामले में प्रॉस्पायर रहे हैं. हमारा हमारा जो यू नो हमारा जो पुश्तैनी जो रिदम है काम का, और जो आर्ट का जो जो एलिमेंट है वो बहुत रिदमिक है, बहुत बहुत ड्रीमी है, उसमें बहुत फैंटेसी है. और वो कुछ कहता ही नहीं है, कुछ कहे वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ जाने की दरकार ही नहीं है, उसे कुछ कहना ही नहीं है, उसे क्या मस्त करना है, कोई लॉजिक नहीं है. अजंता की आप देखें ड्राइंग, देखें अजंता का हाथी, देखें बनी ठनी, देखें. अक्सर मैंने ये बात भी करी है कि बनी ठनी और मोनालिसा में कोई बहुत टाइम पीरियड को लेके बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 70-80-90 साल का फर्क होगा. तो मोनालिसा का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फॉर्मेशन है, वो आपके सामने है, और बनी ठनी जो किशनगढ़ का फीमेल पोर्ट्रेट है, हम सभी शायद जो आर्ट फील्ड से जुड़े हुए जो हम बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब बनी ठनी से वाकिफ होंगे. तो देखिए ना डिस्टॉर्शन कहाँ है, कहाँ क्रिएटिविटी है एक्चुअली, कहाँ कलाकार के को आजाद होने की गुंजाइश कहाँ ज्यादा है, मोनालिसा में ज्यादा है या बनी ठनी में ज्यादा है. कोई भी इसको ये मैं क्या कहूँ, इसमें तो देख लें आप, आपके सामने है. तो भारत की कलाएं और इंडियन आर्ट्स का अपना एक बहुत सलीका रहा है, एक बहुत प्योरिटी और बहुत यू नो बहुत फाइननेस के साथ, सच और झूठ से परे एक शोभा को, एक 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 रैडिश को हम यू नो वो आर्ट है, भारतीय कला है. वो कुछ नहीं कहना चाहती है, कोई टीचिंग, कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, और कभी बेचारे रियलिस्टिक भी नहीं रही, जैसा कि हम वेस्टर्न आर्ट को देखते हैं कि यू नो हार्डली फ्रॉम वेरी 11th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक आखिर जो पैलेट था, जो वेस्टर्न आर्ट का जो बेसिक पैलेट था, वो दैट वाज रियलिज्म ना, रियलिस्टिक वर्क करते थे. फिर स्पेसिफिकेशन होते थे कि टीशियां इस तरह से पेंट करते हैं, तो यू नो डेविड ऐसे करते हैं, तो कुर्बे ऐसे करते हैं, उनका अपना स्पेसिफिकेशन था. पर मोटे तौर पर ये जो हजार साल की वेस्टर्न आर्ट है, इट वॉज रियलिस्टिक ऑनली.
पर हमारे यहाँ तो बहुत से स्कूल्स थे, मतलब जैन है स्कूल था, जैन का आज हाँ आप कहते हो कि जैन और ये जो वेस्टर्न गुजरात का जो स्टाइल है उसको आप क्यूबिज्म से जोड़ते हो और वो फिर मुगल कैसे एक ही रवि भाई एक ही सरफेस पर बहुत लंबी क्रोनोलॉजी भी बता देते हैं और सलीम का जन्म हुआ और शहनाइयां बजी और इधर ये हो रहा है उधर ये हो रहा है और इधर मालपुए बट रहे हैं और इधर घोड़े की सवारियां हो रही है, एक ही धरातल पर पूरी बात कर पहाड़ी स्कूल राजस्थानी स्कूल है उसके कलर की जो ब्राइटनेस है जो प्योरिटी है वो है आपके सामने, अजंता है एलोरा है अब माई गॉड क्या नहीं है आपके पास। तो भारत की कलाएं और आप पूरा काम सूत्र को बल्कि आप किस किस हाँ उस समय जो अपन बात कर रहे थे ना मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी काम सूत्र को सेक्स को इस तरह से एक एकेडमिक मोटिव बना के उसका स्टडी और उसका यू नो सारा खजुराहो में और भी कई टेंपल्स में बताना और पब्लिक आर्ट के तहत इस तरह से बनाया जाना क्रिएट किया जाना बहुत बड़ी बात है रवि भाई, इसको ऐसे हम इस तरह से कैसे ले सकते हैं। तो भारत की कलाओं पे कहां से पता नहीं अपन आ गए, पर भारत की कलाओं की जो आत्मा है वो बहुत प्यार और एक अलग तरह की बात है, उसमें थिएटर और पोएट्री और उसमें पेंटिंग और सारी बातें आती है, फिल्म और थिएटर सब एक ही है, ये दृष्टिकोण है। आप कहां से देखते हैं और आपका जो फ्रेम है वो क्या है, क्यों जैसे एक दो बंदे हैं वो बात कर रहे हैं, ये किसी ये बात कर रहे हैं ये जो स्क्रिप्ट है ये किसी फिल्म की जरूरत है तो कैमरामैन क्यों नहीं कहीं भी कैमरा रख दे यार जहां से दोनों बंदे दिख रहे हैं और बात कर रहे हैं और शूट कर ले, क्यों इतना एनालिसिस हो रहा है, नहीं थोड़ा नीचे यार थोड़ा ऊपर थोड़ा लाइट इधर क्यों करो यार, वो दोनों बंदे बैठे हैं कहीं भी कैमरा रख दो वो बात करेंगे शूट हो जाएगा आपका फिल्म का पार्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बट नॉट। एक सिनेमाटोग्राफर उस स्पेस को देखता है, उस स्पेस डिविजन को देखता है, उस बैलेंस को देखता है, उस ऑप्टिकल बैलेंस को देखता है। हमने भी तो इंटरव्यू पे पहले बात की थी ना सर, थोड़ा सा इधर हो जाए हेमंत जी आप थोड़ा इधर हो जाए दिस नाइस ओके, पर मेरी मजबूरी मुझे अभी भी उसी हिसाब से बैठना पड़ रहा है ना तो ये है रवि भाई ये बात चल जाती है बातें। सुपर सर, आपकी फेवरेट पोयम जो आपने लिखी हो, कैन यू प्लीज से दैट, सो दिस इज अ पब्लिक डिमांड। फेवरेट जैसा भी कुछ नहीं है कविताओं में, पर अब मुझे नहीं आपने कहा है तो शायद इसमें होगी, इसमें एक मैंने अभी लिखा था कौन रेसिपी, हाँ ये मैंने कब लिखी थी इसमें डेट होगी कहीं होगा साल भर पहले की, इस कोरोना पीरियड की ही है रेसिपी भरवा जिंदगी, जैसे होती है ना रेसिपी भरवा बैंगन भरवा आलू ऐसा Have you ever been heard like these Burma word? नहीं, Burma पहली बार सुन रहा हूँ मैं। Yeah, Burma मतलब भरा हुआ ना। Vegetable बनती है, बैंगन ब्रिंजल होता है तो उसको बीच में बड़ा चीरा लगा के उसमें मसाला पूरा वो करके। Yes, मसाला पूरा लगा के या। पूरा। But you know there is the brinjal is full full in its form. That is not cut it actually, okay? So that is Burma. So here Burma जिंदगी recipe. भरवा जिंदगी भरी पड़ी पूरी हुई जिंदगी भरी हुई जिंदगी फुल ऑफ लाइफ ना रेसिपी भरवा जिंदगी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, परफेक्ट। सबसे पहले विगत दिनों को, विगत यानी पास्ट, पिछले दिनों को, पिछले टाइम को, सबसे पहले विगत दिनों को ग्राइंड करो, आपके पास्ट को ग्राइंड करो, स्मृति के मिक्सर में, मेमोरी के मिक्सर में, और गहरी उम्मीद की आंच पर, उम्मीद की गहरी उम्मीद की आंच पर, सर उम्मीद रखना है तो तपना पड़ेगा,
सपना है तो तपना है, मैंने कहीं लिखा था। तो सबसे पहले विगत दिनों को ग्राइंड करो स्मृति के मिक्सर में, और गहरी उम्मीद की आंच पर जल भुन जाने तक इसे पकाओ, जल भुन जाने तक। अपना जो पहले, सबसे पहले खुद को खत्म करो, देन यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो, यू नो। तो विगत दिनों को सबसे पहले खत्म करो और जल जला दो, भुना दो, खत्म, चैप्टर क्लोज। लेट अस रेनेसा, न्यू स्टार्ट। जल भुन जाने तक इसे पकाओ, अब इसको अलग रख दो, और अब एक छोटे से अंजुल में इसको अंजुल कहते हैं ना, हथेली को इस तरह से, जब उसमें जितना भी पानी आता है तो उसको हम, एक बड़ा लिटरेरी टर्म है, बड़ा प्यारा शब्द है अंजुल। अंजुल का मतलब सिर्फ इस अंगुली और इस हथेली की इस फॉर्म में जितना जो कुछ समाता है अंजुल में। तो अब इसको अलग रख दो और एक छोटे से अंजुल में आशाओं का पानी लेके हल्की मुस्कान के साथ इसके ऊपर छिड़काव करो। इसको बिना हिलाए कुछ समय के लिए हल्की धूप छांव में रहने दो। रेसिपी है, आप पाएंगे कि इस जले भुने से कुछ अंकुर फूट निकले हैं। बस अब आपको रोज एक बड़ा चम्मच सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एक बड़ा चम्मच विश्वास, बिलीफ, फेथ, एक बड़ा चम्मच धैर्य, पेशेंस, और एक चुटकी छोटी छोटी खुशियों के साथ स्टर करते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ गार्निश करना है। ध्यान रहे, अच्छे से प्लेटिंग करने के लिए किसी भी नेगेटिविटी की आशंका आसपास ना हो। बस तैयार है आपकी भरवां जिंदगी, खुद को ही मेहमान मानते हुए आनंद। ये कुछ ऐसा रेसिपी के पैटर्न से, सो किसी और के लिए कुक करने की जरूरत नहीं है, खुद को मेहमान मान के, खुद 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 को मेहमान। जब आप खुद के लिए अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हो तो दूसरे के लिए क्या लोगे? जब आप खुद सत्य को, ट्रुथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई, किसी भी सबमर्शियली कुछ भी हो सकता है, उसको हम खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो दूसरे को इंट्रो कैसे दे सकते हैं? हेमंत जी, ड्यूरिंग द आर्ट, मतलब आप जब आर्ट करते हो, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन? सो ऐसा कौन सा मोमेंट रहता है जिसमें आप, यू नो, यू हैव टफ टाइम आइदर फिनिशिंग द आर्ट और यू नो गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल? हाँ, सबसे सबसे ज्यादा परेशानी तब होती, एक्चुअली मैं एक तो क्या पेंट करता हूँ तो मुझे एक्चुअली हमें ये ख्याल रहता है कि यार कल संडे है, या आने वाले इस महीने में या इन दो महीने में मैं पेंट करूंगा, या इन दो महीने में राइटिंग करूंगा, लिखूंगा, या इन दो महीने में किसी थिएटर का स्क्रिप्ट को राइटअप में देखते हुए इमेजिनरी उस फैंटेसी में रहूंगा। सारे असाइनमेंट्स तो सारे होते हैं ना। तो पेंटिंग करते हुए क्या होता है मेरे साथ कि एक ऐसा मोमेंट आता है तब, एक्चुअली रवि भाई अपन जब पेंटिंग की बात कर रहे थे ना, तो पेंटिंग करने का सही मजा भी तब होता है जब वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से डेवलप होना शुरू नहीं होती है। ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है कि आप एक बार जो कंपोजिशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, उसमें आप पर्टिकुलर है ही नहीं डायरेक्शन के लिए। वो ऐसे भी देखी जा सकती है एक बार की वो ऐसे भी देखी जा सकती है, उसको इस
टर्न अबाउट भी कर सकते हैं इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं. इफ इफ यू आर बीइंग यू नो लाइक नॉन फिगरेटिव, इफ इफ यू आर बीइंग नॉन फिगरेटिव देन दैट इज द ओनली पॉसिबल विद यू. वरना तो एक गांव का दृश्य बना रहे हो तो उसको एक दिशा में रखना ही पड़ेगा, कागज को, कैनवास को, और वैसी झोंपड़ियां बनेगी और वैसी गलियां निकलेगी. लेकिन जब हम पेंट कर रहे हैं, जब हम अपनी इमेजिनरी को, हम हमारे पूरे को, हमारे पूरे होने को जब पेंट कर रहे हैं, तो फिर वो कैनवास तो आप ही तो हो. तो जैसे घूमती है जिंदगी और वक्त आता है, वैसे सरफेस भी घूम सकती है, क्यों नहीं घूम, हर बार घूम सकती है. आजकल तो पेंटिंग देखे ना आप, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छा है प्रयोग, परेशान हो रहा है मीडियम. केवल ब्रश और कलर कैनवास के ऊपर पेंट करने से पेंटिंग होती है, ये अब यू नो वंस अपॉन ए टाइम की बात है. तो उसके एप्लीकेशंस के और उसके नजरिए बहुत बदल रहे हैं वक्त के साथ, क्योंकि मटेरियल का बढ़ रहा है इसलिए बदल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. सर लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोगों ने आपके कमेंट्स, मतलब आपके लिए कमेंट्स डाले हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्स डाले हैं, थोड़े क्वेश्चंस भी है, बट लास्ट क्वेश्चन मे बी आप थोड़ा टाइम लेके मे बी यू कैन रेस्पॉन्ड टू फ्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस व्हेनेवर यू फ्री आफ्टर द शो. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, आर्टिस्ट अपने धुन में रहते हैं, मतलब जो जर्नी रहती है फ्रॉम द टाइम यू आर इन द स्टूडियो, आप अपने वर्ल्ड में रहते हैं और सोसाइटी अपने वर्ल्ड में रहती है, सोसाइटी अपने यू नो लाइफस्टाइल में बिजी रहती है. सो हाउ डू वी गेट एन आर्टिस्ट क्लोजर टू द सोसाइटी, मतलब उनकी उनके काम की पहचान दिलाना सोसाइटी को हाईलाइट करना कि ऐसे आर्टिस्ट हैं, वो व्हाट इज़ योर सजेशन, हाउ डू वी गेट आर्टिस्ट क्लोजर टू द सोसाइटी. देखिए सारी बात परसेप्शन पे आके और व्यवस्थाओं पे आकर रुकती है कि आप देखें कि हम देखते ही हैं कि विदेशों में एक सिस्टम है कि स्कूली बच्चों को, छोटे बच्चों को कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरीज में बकायदा ले जाया जाता है. एक डेफिनेट टर्म इस तरह की कंटेम्प्रेरी एस्थेटिक से उनका 2-5 करवाते रहते हैं और बकायदा गैलरी के आंगन में बैठे हैं और टीचर भी बैठी है, वो भी समझ रही है, बच्चे भी देख रहे हैं. और आप देखिए कि वो बहुत से इनिशियल एज से उस कंटेम्पररी स्पेस को और उस एस्थेटिक को और उस ज्योमेट्री को देखना शुरू करता है ना. और कंपैरिजन भी होता है इसमें, सारी चीजें भी होती है. लेकिन आर्टिस्ट का क्या है रवि भाई कि अब ये प्रोफेशन भी है ना, ये सारी फिलॉसफी और मैं दर्शन से नहीं चलेगी कला. कला तो कारखाना है, क्योंकि आपने कारखाना बना रखा है ना कला को, तो ये तो एक इंडस्ट्री हो गई. तो अब इसके अपने एप्लीकेशंस हैं, इसके अपने मैनर्स हैं, इसके अपने डिसिप्लिन्स हैं, उनको आप फुलफिल करेंगे तो आप एस्टेब्लिश होने की फ्यूचर में रखते हैं, वरना ठीक है एक तरह का आपको एक बात है, प्रेजेंटेशन है, एक प्रोफेशनल इसका अप्रोच है, इस सब्जेक्ट का इसका एक कॉमर्स है, और उस सिस्टम के तहत फिर आर्टिस्ट का एस्टेब्लिश होना और उनके शो करना और फिर आर्ट क्रिटिक का और उनकी कंटिन्यूटी और बहुत सी बातें हैं वैसे इस फील्ड में. और हमें, हमारे इस देश में हमें बहुत खुलकर, रवि भाई मैं सच कह रहा हूँ, हमें कंटेम्प्रेरी आर्ट पर हमारे देश में खुलकर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए. ये पर्दे के अंदर गुपचुप नहीं होना चाहिए. हमारे देश में बहुत कंफ्यूजन है. हमारा अनफॉर्चुनेट है कि अभी इंटरनेशनल लेवल का ऐसा कोई, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हम नो अभी हमें बहुत सीखना, जल्दीबाजी भी की हमने देश आजाद होने के बाद मॉडर्न आर्ट को समझने की, इतनी जल्दीबाजी की जरूरत भी नहीं थी. पर चलो वो एक अलग डिबेट की बात है. लेकिन हमने अपना जो इंडियननेस है ना, जो अपना ओरिएंटल जो कंटेंट है ना, उसको भी आर्ट में जिंदा नहीं रखा, और हम बहुत बेतहाशा भागे वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट की तरफ.
और कैसे भी करके कि ये इसने ये इसने ये फिर इसने ये लंबी गर्दन बना रहा है, ये चौड़ा मुंह बना रहा है, ये पतला पैर बना रहा है, ये घोड़े बना रहा है, ये हाथी बना रहा है, ये म्यूट बना रहा है, ये म्यूट को इस तरह से बना रहा है, एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है, ये दर्जी की दुकान बना रहा है, ये डेली लाइफ के सीनरीज बना रहा है, ये कलर ऐसे करता है, पेंट ऐसे करता है, ये स्पेस को ऐसे ड्रॉ करता है, वैसे करता है, इट्स ओके, ये इसका प्रोफेशनल सेटअप है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी दूसरी बातें भी होती है। हमें सब तरफ से सोचते हुए, विचारते हुए, सारे स्पेस को देखते हुए, मैंने जानबूझ के स्नेहलता जी ने जब कहा मुझे कि सर कुछ इमेजेस, क्योंकि स्नेहलता जी कॉलेज में भी रही है, उसमें हम काफी चीजों को भी विचारते थे, बातें करते थे, तो उन्होंने कहा सर कुछ रेफरेंसेज आप, तो मैंने जानबूझ के इसमें डिजिटल भी है, उसमें तंत्रा को लेके भी है, उसमें सेमी रियलिस्टिक भी है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, उसमें फिगरेटिव भी है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन भी है, कुछ भी है, ये बात भी वो बात भी, बीइंग टीचर अच्छा लगता है कि आप बहुत आप एक वेराइट पैलेट से आप सोचते हैं, विचारते हैं। देखिये जितने बच्चे हैं हर साल एक पानी का रेला है इंस्टीट्यूट में, बच्चों का आना और जाना क्या है, और हर बंदा आप देखिए ना इस दुनिया में कितने हैं, दुनिया में भी कलाकार, उनकी स्टाइल और स्पेस और उसका सोचना और वैसे सब बहुत सी चीजें होती हैं, किसी का चेहरा मिलता नहीं है ना, फिर भी किसी की आर्ट नहीं मिलती है, किसी पॉइंट की ऐसा थोड़ी हुआ दो पॉइंट का सेम कविता कभी होता है क्या, नहीं होता है, सबका फिर भी अपना ओरिजिनल होता है, तो होता है वो तब होता है जब वो थर्स्ट होती है उसको पाने की, स्टाइलाइजेशन कहते हैं जिसको अपन, वो तौर तरीका है। अब हम बीइंग टीचर मुझे लगता है सब तरफ से सोचना चाहिए, सारी चीजों को देखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट हजारों लाखों तरीके से एब्स्ट्रैक्ट, क्या एब्स्ट्रैक्ट, सब एब्स्ट्रैक्ट, वैसे ही सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, फिगरेटिव भी तो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही मोस्ट फिगरेटिव है, द एसेंस ऑफ फिगर इज एब्स्ट्रैक्ट। नाउ आप नॉन फिगरेटिव को और एब्स्ट्रैक्ट को एक बात कर रहे हो, ये ऐसे ये सब चीजों को समझना, देखना, थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करना, और स्कूल्स को भी समझना, पिकासो भी तो हुए थे तब 1885 में, उस समय स्ट्राइक हुआ था और साइन ऑफ द रिफ्यूजीज हुआ था कि जो एनुअल एग्जीबिशन में जितने जितना भी वर्क रिजेक्ट हुआ है उसकी बाकायदा एग्जीबिशन, ये कैसे हो गया, इट वॉज 1883 या 85 जो पेरिस में जो मानी के टाइम हुआ था साइन ऑफ द रिफ्यूजीज, कैसे हो गया यार ऐसे कि रिजेक्टेड आर्टिस्ट कह रहे हैं कि हमारी अपनी एक एग्जीबिशन होनी चाहिए, कोई वजह तो थी ना। ये जो अवेयरनेस है सब्जेक्ट की, मॉडर्निटी की, आर्ट की मॉडर्निटी की, इनफैक्ट वो जो आज जो चल रहा है वो तो दैट कम्स थ्रू वेस्ट, वो तो है ही है ना, उसमें तो कोई बात ही, हम तभी तो मैं कह रहा हूं हम अपने देश की आर्ट की मोटिव लेके भी मॉडर्न हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे, हो सकते थे उन तौर तरीकों को, उन बातों को, उस तरह के सारे सौंदर्य को, कोई कोई जरूरी थोड़ी है कि वो ही तरीका मॉडर्न आर्ट का होता है, मॉडर्न जो अपन बार बार बात कर रहे हैं वो तो सोचने विचारने का आपका वो नहीं हो पाया, और हम कहीं ना कहीं थोड़ा, मुझे माफ करना, मैं मुझे शायद कहना नहीं चाहिए पर हमने वेस्टर्न आर्ट को बहुत बहुत जल्दीबाजी से एक बार वेस्टर्न होने की कोशिश की आर्ट के थ्रू, ऐसा मॉडर्न आर्ट के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम ऑलरेडी मॉडर्न थे, हम ज्यादा मॉडर्न थे, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, किस तरह का काम हो रहा था हमारे यहाँ 16th-17th century में, 18th century में, 14th century में, उसी मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं जिसकी आज के जमाने में जिस मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं, और 16th century के इंडिया के काम को देखो आप, मॉडर्निटी किसको कहते हैं, उसी को तो कहते हैं, मीडियम को देखो, मटेरियल को देखो, स्पेस को देखो, फॉर्मेशन को देखो, फिगर को देखो, कलर डिवीजन को देखो, अप्रोच को देखो, कितने मॉडर्न है यार, कोई सर्टन रियलिज्म नहीं था कि हर आर्टिस्ट एक डेफिनेट रियलिज्म के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल राजतंत्र है कहीं, कोई राजतंत्र भी नहीं था, कलाकार अपनी मस्ती से काम करते थे, मॉडर्निटी तो ये थी, राजा का कोई 100% इंस्ट्रक्शन भी नहीं था कि तुझे यही बनाना होगा, सवाल ही नहीं, मॉडर्निटी तो ये है, मॉडर्निटी तो यूं देखना है सारा, क्या मैं कह रहा था ना आपको, सारा अजंता देखो, एलोरा देखो, किस मॉडर्निटी की, एलिफेंटा देखो, एलोरा देखो, अजंता देखो, मॉडर्न,
इसको कहते हैं मॉडर्न। एक पहाड़ को काटा गया रवि भाई, वही बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की वॉल्स वॉल्स हैं, उन पर डेकोरेशन है, आर्ट है, और पिलर्स और बीम और जो भी जहां भी स्पेस डिवीजन है और जो रिलीफ है और जो भी है उस हिसाब से वो पिलर्स हैं, वो स्कल्पचर्स हैं। सो देयर आर मेजर थ्री मीडियम्स एट वन टाइम, दैट इज अजंता। कोई मामूली बात है। अब इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं छोटे मोटे से और चीजों को सब, बट इंस्टॉल अजंता इज इंस्टॉलेशन, ऐसा इंस्टॉलेशन पूरी नेचर को पहाड़ों को काट के बनाया हुआ इंस्टॉलेशन है सर। एलोरा देखें आप, एलिफेंटा देखें आप, वो शिव देखें सब, आप उसके सामने क्या हो, वो वॉल्यूम देखें उसका और उस प्रोपोर्शन में, इस रेशियो में आप अपने आप को देखें और उस एम्फेटी को देखें, उस लगन को देखें, उस शिव को देखें आप, आपको लगता है कि यार भक्ति किसको कहते हैं, शिव किसको कहते हैं, स्कल्पचर किसको कहते हैं, मानसलता किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं, भुजा किसको कहते हैं, बल किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, उस शिव को देखें आप। कलाओं की बातें हैं सर, कलाएं हैं वो, तो कोई दुनिया में बताए, और भी बेशक इजिप्ट के और ग्रीक और रोम में सब हुआ है, हम देख रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे इंडियन कैरिकुलम में तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट प्राय मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में चलता है, हर आई एम श्योर हर इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तान में चलता होगा कैरिकुलम में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, पर मुझे नहीं लगता है कि वेस्ट में इंडियन आर्ट चलता होगा, पता नहीं, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च करनी चाहिए उस लेवल का। तो इंडियन आर्ट की मॉडर्निटी कभी कम रही नहीं, कभी शुरू से कम नहीं रही, हमेशा से हम तो We were most modern at all. We were never conventional in our the way of aesthetics and art scenario. Hamesha se modern rahe, most modern, ultra modern the hum log. Hamare yahan ki jo murtiyan hain striyon ki, nariyon ki, aur jo us mansalta ke saath aur us anand ke saath वो शरीर है और वो जो न्यूडिटी है वो कहाँ नग्नता है, उस अध्यात्म को, उस शक्ति को, उस धर्म को, उस स्थेटिक को, उन ऑर्नामेंट्स को, उन कपड़ों को और उस रिदम को आप ऑब्जर्व तो करें, क्या बात है, कमाल की रिसर्च रही होगी, कमाल की इमेजिनेशन रही होगी। हम तो केवल अपनी लाइन को सुधारने के लिए उनकी स्केचिंग किया करते, हिंदुस्तान के हर हर कॉलेज का बच्चा उसके टाउन के, उसके शहर के मंदिरों में जाता ही होगा मुझे उम्मीद है, और उन मूर्तियों की जहां भी जो आसपास में जहां भी जैसा भी रहा या जब भी मौका मिला है मूर्तियों की हम स्केचिंग करते रहे, क्यों करते हैं, उस लाइन के लिए, उस रिदम के लिए। थोड़ी देर पहले जो अपन बात कर रहे थे ना रिदम की, तो भारतीय कलाओं पर मुझे नहीं लगता रवि भाई, करते ही जाओ, बात करते ही जाओ, मामला खत्म ही नहीं होता, एवरलास्टिंग है, उसका अपना सौंदर्य है। और यूं देखो तो बात करने की कहीं जरूरत भी नहीं, भारत की कलाएं ऐसी, वो कभी नरेशन को स्वीकार नहीं करती, कभी डिटेल की तरफ नहीं गई, वो हमेशा टू डायमेंशनल रही, और आर्ट इज ऑलवेज टू डायमेंशनल, कला हमेशा टू डायमेंशनल ही होती है ना, क्योंकि वो जो एक्ट है आपको बताना है, कला करके बताना, चित्र बना के बताना है, अब चित्र बनाना है तो आप टू डायमेंशनल ही रह पाए, वो बात अलग है कि धीरे धीरे टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन और मिक्स मीडिया और डेवलप होते हैं और कलाकार तरह तरह से अपना क्रिएशन, वो तो है ही सामने दिख रहा है, बट आर्ट इज बेसिकली टू डायमेंशन, पेंटिंग इज बेसिकली टू डायमेंशन, मैटर टू डायमेंशन होती है, कलाएं द्विआयामी होती है, इसीलिए वो भूख बढ़ती है, इसलिए फिर वो आप ड्राइंग से पेंटिंग और पेंटिंग से आप उधर, एक बात बता रहा हूँ, स्टेजेज हैं इसमें कोई शक नहीं, और इन सारी कलाओं में ऐसा माना जाता है कि जो डांस है वो सबसे ऊपर, सबसे चोटी की कला जो है वो डांस, रवि भाई वो इसलिए है, वो थिएटर से भी बहुत ऊपर इसलिए है कि कलाकार खुद
और शी इज बीइंग हरसेल्फ हिमसेल्फ यू नो पार्ट ऑफ द आर्ट ही इज शी इज एन आर्ट ओनली शी इज नॉट डांसिंग एक्चुअली शी इज एन आर्ट आप तो बना रहे हो कैनवस पे वो बन रही है आप मूर्ति बना रहे हो मूर्ति बन रही है मैं अलग हूं मटेरियल अलग है वो है मैं राइट मैं पेंटिंग बना रहा हूं तो मैं पेंटिंग बना रहा हूं मैं अलग हूं पेंटिंग अलग है मेरे शायद अगर बड़ी बात करें तो मेरे इमेजिनेशन का मेरे थॉट का वो इमिटेशन यही तो है पेंटिंग है ना पर डांस में तो वो खुद है She is herself an art. यहां हिमसेल्फ और हरसेल्फ नहीं हो सर यहाँ आर्ट अलग और आप अलग हो तो खैर ऐसी बातें हैं सारी चीजें और खूब भारत की कलाओं पे बात करनी चाहिए और दिल खोल के करनी चाहिए और भारत की कला को हम सबको उस फिलोसफी ऑफ इंडियन आर्ट को वी हैव टू अंडरस्टैंड हम स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बंदों को उन ट्रेनिंग्स में आईएएस को सबसे पहले आईएएस को भारतीय कलाओं के बारे में खूब खूब ठोक बजा के इंडियन आर्ट और कल्चर के बारे में हमें बताना चाहिए इंडियन आर्ट और कल्चर को आईएएस के मेन एग्जाम का मेन सब्जेक्ट बनाना चाहिए क्योंकि आर्ट इंस्टीट्यूट और कला केंद्रों की और सरकारी और जितने भी वो भी उतने ही है वहां भी उतने ही आईएएस बैठे होते हैं कल्चरल सेंटर्स होते हैं और जो भी जितना भी हम देख रहे हैं तो बाकायदा वहां वही आईएएस अपॉइंट हो जो इस सब्जेक्ट के साथ आईएएस बना बहुत सी बातें हैं आर्ट को कल्चर को लेके भारत के परिवेश में जो करने की है और हमें विचारनी चाहिए हमें अपने आर्ट को समझना चाहिए आम आदमी को आर्ट समझनी चाहिए क्यों नहीं समझनी चाहिए आम आदमी को रसिक होना चाहिए आम दंपत्ति को रसिक होना चाहिए आम दंपत्ति को ये लगे कि हमारे शहर में अगले सैटरडे को एक थिएटर है यार डार्लिंग लेट अस गो एंड फॉर थिएटर क्यों वो थस नहीं होनी चाहिए चाहे कोई थिएटर से नहीं बिलोंग कर रहा है आप अपनी संतति को अपने बच्चों को थिएटर में पोएट्री के बारे में लिटरेचर के बारे में आर्ट की उस फाइननेस के बारे में उस इमेजिनेशन के बहुत स्कोप है ना फिल्म मेकिंग के बारे में ग्राफिक के बारे में आप और हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम अभी जिस मीडियम से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी संभावना है बहुत अच्छी बात है और खूब आनंददायी सब्जेक्ट्स हैं और स्ट्रीम्स कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है ये सारे इनके हिडन पता नहीं है तुम कहां से कहां इस बातों में डेढ़ घंटा हो बट थैंक्स अ लॉट हेमंत जी आपने यू नो टाइम दिया एंड You know, on behalf of all the audience, on behalf of Sneha Arts, Sneha Ji, we would like to thank you for taking time out and coming here. It's really an honor. I mean, first episode of season 2, and then, you know, matlab, meri soch badal gayi hai, the last 1 hour of interaction with you, or 1.5 hours of interaction with you. बहुत सारे चीजें हैं जिसमें मेरी सोच बदल गई है अभी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ क्या क्या फिर भी मुझे बताएं आप क्या बदले सबसे मोटा टेंटेटिव पॉइंट क्या बदला आपका या मेरे गुरु का जो मेरा रिग्रेट था कि मेरे गुरु नहीं है अभी वो अभी बदल गया है सो आई हैव रीजंस फॉर इट आई हैव थॉट प्रोसेस फॉर इट ये नहीं कि मैं अभी कंक्लूजन में नहीं आ रहा बट एटलीस्ट आपने एक बीज डाल दी है एंड मैं भी उस किसी कंक्लूजन पे गुरु का समझने की जब जब वक्त पता नहीं अब देखते हैं चीजों को कैसे सही राइट राइट सर ट्रू सो थैंक्स अ लॉट सर यू नो फ्रॉम स्नेहा आर्ट्स एंड ऑल दैट वी थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड मैं अपनी तरफ से तहे दिल से आपको रवि भाई आपको और स्नेहा आर्ट्स को और स्नेहलता जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा पहला सीजन भी आपका बहुत से आई हैव गोन थ्रू सम ऑफ द एपिसोड्स बहुत शानदार वो सीजन था और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस दूसरे सीजन का आई एम वेरी फर्स्ट तो बहुत शानदार रहा आपको तहे दिल से धन्यवाद और सच कहूँ तो कहीं मेरे जहन में भी ये बात थी कि एक बहुत सिस्टम के तहत एक बहुत अच्छे सिस्टम का मतलब बहुत बिना कोई समझौता किए इस तरह की कुछ द सीरीज ऑफ इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ द पर्सन्स इन टर्म ऑफ द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट होना चाहिए स्नेहा आर्ट ने शुरू किया है एक बहुत शानदार है
अभी हम बहुत से इस बातों पे विचार कर रहे हैं, लेकिन स्नेहा आर्ट का जो तौर तरीका और आपका जो सबका जो प्रयास है और जो वानगी बनी है, जो जो रिजल्ट आया है, वो एक बहुत सिस्टमेटिक उस मैनर में है जिस जो रिक्वायर्ड था। सो यू ऑल, आनंद मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, audience. And do follow Sneha Arts. So we have a lot of things coming up. There's a new studio coming up, which Sneha ji will, launch pretty soon. And a lot of comments and compliments. So sorry, we couldn't read all of them. But sir, whenever he's free, we'll respond to some of the questions. So again, have a great evening. Thank you for being here. And God bless each one of you. Take care. Thank you. Thank you.